हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम हिमाचल प्रदेश में चलने वाली ट्रेन्स की बात करें तो माइंड में या तो कालका शिमला ट्रेन आएगी, या फिर पठानकोट जोगिंदरनगर, और या फिर ऊना की ब्रॉडगेज ट्रेन। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश में चलने वाली एक ऐसी रेल की यात्रा करवाएंगे जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोग ना जानते हों। हम बात कर रहे हैं पंजाब के नंगल से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम तक चलने वाली ट्रेन के बारे में। इस रेल की सबसे खास बात है कि इसमें यात्रा करने का किराया नहीं चुकाना पड़ता, यानी ये रेल सेवा बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, भाखड़ा बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। नए आज़ाद हुए भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस बांध का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना तय हुआ। ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था निर्माण सामग्री को बांध निर्माण स्थल तक पहुंचाना। इसीलिए इस रेल लाइन का निर्माण वर्ष 1948 में किया गया और नंगल से भाखड़ा डैम तक रेल लाइन बिछाई गई। ये ट्रेन BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के ही अधीन है और BBMB में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान व भारत सरकार का अलग अलग शेयर है, यानी इसमें इन राज्यों व केंद्र की अलग अलग प्रतिशतता में भागीदारी है। निर्माण सामग्री के साथ साथ इस रेल लाइन का उपयोग कर्मचारियों को नंगल से भाखड़ा डैम तक लाने व ले जाने के लिए भी होता था। जब भाखड़ा डैम का निर्माण चल रहा था तब ये ट्रेन दिन रात चलती थी, जिसमें हजारों वर्कर्स नंगल से भाखड़ा व भाखड़ा से नंगल तक आते जाते थे। भाखड़ा डैम का निर्माण कार्य 1948 से 1963 तक लगातार चला और इसमें इस रेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बांध निर्माण पूरा होने के बाद भी ये ट्रेन नंगल से भाखड़ा के बीच अब तक चलाई जा रही है, जिसमें कर्मचारी नंगल से भाखड़ा व भाखड़ा से नंगल तक आते जाते हैं। इस ट्रेन को चले हुए 76 साल हो गए हैं और अब ये दिन में नंगल से भाखड़ा डैम के दो चक्कर लगाती है। BBMB कर्मचारियों के साथ साथ इस क्षेत्र के दर्जनों गांव जैसे बरमला, नैला, हंडोला, ओलिंडा, गवालथाई, सनाल व चौकाठ आदि के लोग इस रेल का लाभ उठाते हैं, जिसके लिए उन्हें किराया नहीं चुकाना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और इस रेल सेवा के बारे में और कई बातें भी जानते हैं। आज है 2 मार्च और हम हैं नंगल शहर में। नंगल डैम पंजाब के ज़िला रूपनगर में शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है। इस शहर को पहचान मिली है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से। सतलुज नदी इस शहर के बीचों बीच बहती है। नंगल डैम तक भारतीय रेल द्वारा भी ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन भाखड़ा डैम के लिए चलने वाली ये फ्री ट्रेन नंगल डैम नहीं, जबकि BBMB के नंगल टाउनशिप रेलवे स्टेशन से चलती है, जो कि भारतीय रेल के नंगल डैम रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ नंगल टाउनशिप रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और ट्रेन यहाँ से 3:05 पर चलेगी। ये ट्रेन दिन में 2 बार नंगल से भाखड़ा के चक्कर लगाती है। सुबह 7:05 पर चलकर करीब 40 मिनट में भाखड़ा डैम का 13 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। फिर वहां से 8:20 पर वापस चलकर 9 बजे यहां नंगल पहुंच जाती है। इसी तरह शाम 3:05 पर यहां से चलकर 4:15 तक भाखड़ा और 4:20 पर भाखड़ा से चलकर शाम 5 बजे तक नंगल पहुँच जाती है। इस ट्रेन के इतिहास के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। 76 साल पहले भाखड़ा डैम निर्माण के समय शुरू हुई इस ट्रेन के अंश यहाँ नंगल टाउनशिप स्टेशन पर आपका ध्यान अतीत की ओर ले जाएंगे। जंग खाते ये कलपुर्जे और पुरानी बोगियाँ मानो आज भी अपने अंदर कई यादें संजोए बैठे हैं।
इस ट्रेन की विशेषताएं भी यहां पर अंकित की गई हैं। जैसे इस रेल लाइन का सर्वे 1946 में शुरू किया गया, स्टैंडर्ड सिग्नलिंग सिस्टम 1954 में लगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2,02,00,000 थी। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 27 किलोमीटर है, जिसमें भाखड़ा बांध के दोनों पावर हाउस तक का रेल लिंक भी शामिल है। इस रेल लाइन में दो टनल्स, जिसमें एक बरमला गांव के पास और दूसरी लेफ्ट बैंक पावर हाउस के रेलखंड पर है। इसके अलावा ये ट्रेन ओलिंडा में 158 मीटर लंबे रोड कम रेल ब्रिज से होकर भी गुजरती है, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना है। इस रेलवे स्टेशन के पास यहाँ BBMB की एक बड़ी वर्कशॉप भी है, जो कि इस भाखड़ा रेलवे से कनेक्टेड है और भाखड़ा नंगल परियोजना से जुड़ी कई मशीन्स वहाँ पर पड़ी हैं। अभी इस वर्कशॉप का उतना काम तो नहीं रह गया, पर कहा जाता है कि इस वर्कशॉप में ऐसे ऐसे टूल्स पड़े हैं जिससे कि एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पड़ी ज़्यादातर मशीन्स अब जंग ही खा रही हैं। इस रेल संचालन के लिए 3 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 1953 में USA से खरीदे गए थे, और इससे पहले 1948 से 1953 तक ये रेल कोल स्टीम इंजन से चलाई जाती थी। 1953 में USA से खरीदे गए इन 3 लोकोमोटिव इंजन्स में से एक आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, जबकि बाकी दो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनके स्पेयर पार्ट्स आजकल नहीं मिल पाते, इसीलिए इनके रखरखाव में भी काफ़ी दिक्कत आती है। अब 2:45 हो गए हैं और ट्रेन के कोचेस इंजन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। बांध निर्माण के समय तो ये इंजन 10-12 बोगियां लेकर जाते थे, मगर अभी इसमें केवल 3 बोगियां ही जोड़ी जाती हैं। ट्रेन के यहाँ प्लेटफॉर्म पर आते ही सब लोग इसमें बैठ गए। इस ट्रेन में मुख्य रूप से भाखड़ा बांध के कर्मचारी और स्थानीय गांव के स्कूल और कॉलेज के बच्चे सफ़र करते हैं, जो कि हर दिन यहाँ नंगल आते हैं। ये रेल कोच भी लकड़ी से बनाए गए हैं और ये कराची पाकिस्तान से बनकर आए हैं। बाकी रेलगाड़ियों से पूरी तरह अलग इस रेल की ये बोगियां अपने आप में ही काफ़ी दिलचस्प है। इसमें हर एक कोच के 2 पार्ट्स हैं, यानी टोटल 6 कंपार्टमेंट्स। भाखड़ा डैम के कर्मचारी, आम लोगों व महिलाओं के लिए यहाँ अलग अलग कोचेस निर्धारित किए गए हैं।
इसके बाद रेल को हरी झंडी दिखाई गई और 3:05 पर ट्रेन नंगल टाउनशिप स्टेशन से भाखड़ा डैम की ओर चल पड़ी। नंगल टाउनशिप स्टेशन से भाखड़ा डैम तक इस रेल मार्ग पर 5 स्टेशन आते हैं, जिसमें पंजाब में 3 लेबरहट, दुबेहटा और बरमला, जबकि हिमाचल प्रदेश में 2 स्टेशन नैला व ओलिंडा आते हैं। पाँच मिनट में ही अगला स्टेशन आ जाता है, जो कि लेबर हट है। यहाँ इस जगह पर बड़ी संख्या में लेबर हट्स होते थे, जिसकी वजह से इस स्टेशन का नाम लेबर हट रखा गया है। आज भी यहाँ आसपास बीबीएमबी कर्मचारियों के लिए बनाए गए बहुत से क्वार्टर बने हैं। ये ट्रेन हर स्टेशन पर 1-2 मिनट के लिए रुकती है, मतलब जितने में सब सवारियां आराम से चढ़ व उतर जाए। फिर सुरक्षा गार्ड ये सुनिश्चित करता है कि सब उतर या फिर चढ़ गए हैं, उसके बाद वो हरी झंडी दिखाएगा, तभी ट्रेन आगे चलती है। इसके बाद अगला स्टेशन आता है दुबेहटा। दुबेहटा से हमारी ट्रेन करीब 3:15 चली। अब इसके बाद अगला स्टेशन बरमला होगा। सामने अब शिवालिक रेंज की नैना देवी व रामगढ़ धार भी दिखाई देने लगी है, जिनके बीच ही भाखड़ा डैम बना है। ये भाखड़ा रेलवे लाइन पंजाब में रोपड़ व हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर व ऊना जिला में बनी है। बरमला गांव में ये ट्रेन फिर एक ऊंचे पुल से होकर भी गुजरती है। इसके बाद जल्दी ही आ गया रेलवे स्टेशन बरमला। ये बरमला गांव इस तरफ पंजाब का आखिरी गांव है और अब इसके आगे हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाएगा।
हमारी ट्रेन अब सतलुज नदी के करीब पहुंच गई है। दरअसल ये नंगल डैम की झील है जिसमें सतलुज का पानी रोका गया है और इसे आगे नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए विभाजित किया गया है। और यहाँ पर आगे आ जाती है आधा किलोमीटर लंबी ये टनल। इस टनल से होकर टू व्हीलर्स बरमला से नैला की ओर आते जाते हैं। लोकल लोगों को तो ट्रेन के टाइमिंग्स के बारे में पता है, पर जो कभी बाहर के लोग इधर आ जाएं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर में, और इस तरफ है सतलुज दरिया। सतलुज नदी के किनारे अब हम नैला गांव में हैं, और ये सतलुज नदी जो कि किन्नौर के शिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, वो यहां नैला गांव में हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में चली जाती है। आजकल तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, पर कुछ साल पहले तक लोग इस ट्रेन में भजन गाते हुए जाते थे, जिसके लिए रेल की एक बोगी फिक्स थी और बांध कर्मचारी अपने साथ एक ढोल चिमटा लेकर आते थे और भजन गाते हुए अपनी यात्रा पूरी करते थे। अभी पुराने कई लोग रिटायर हो गए हैं और आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। साढ़े तीन बजे हमारी ट्रेन पहुंच गई नैला स्टेशन पर। ये नैला गांव जिला बिलासपुर में आता है, जबकि नदी के सामने है हंडोला गांव जो कि जिला ऊना में आता है, और इन दोनों गांव को आपस में जोड़ता है एक झूला पुल। नैला स्टेशन पर उतरकर आप 5 मिनट में इस सस्पेंशन ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। ये पुल भी भाखड़ा डैम के निर्माण के वक्त बनाया गया था, और बजरी व रेत लाने के लिए कन्वेयर बेल्ट इस पुल से होकर गुजरती थी। आज हालांकि इस पुल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, मगर फिर भी लोग इसे पुल को पैदल पार करके इधर से उधर आते जाते हैं। और इसके बाद आगे सतलुज नदी के किनारे चलते चलते जल्दी ही आ जाता है ओलिंडा रेलवे स्टेशन, जहां पर सभी आम यात्रियों को उतरना होता है। इससे आगे लास्ट स्टेशन है भाखड़ा, जहां केवल भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के कर्मचारी ही जा सकते हैं। यहाँ सतलुज नदी के इस तरफ ज़िला बिलासपुर व उस तरफ ज़िला ऊना है, और ये ट्रेन इस रेल कम रोड ब्रिज को पार करके ऊना ज़िला में पहुँच जाती है, जहाँ इसका लास्ट स्टेशन होता है। वैसे अगर भाखड़ा डैम घूमने आते हैं तो इस ट्रेन से आना उतना सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओलिंडा स्टेशन पर उतरने के बाद भाखड़ा डैम तक 3 किलोमीटर जाना पड़ता है,
पर इस ट्रेन की यात्रा भी अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। जब तक ट्रेन वापस आती है तब तक यहाँ आप सतलुज नदी के किनारे बैठकर कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं और यहाँ आसपास की दुकानों पर चाय वगैरह भी पी सकते हैं। आप बताइए आपने कहाँ फोन किया, किसने फोन किया? भाखड़ा बांध के निर्माण ने इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दी है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना का देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में अहम योगदान रहा है। सतलुज नदी पर बना ये 226 मीटर ऊंचा बांध दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1325 मेगावाट बिजली पैदा करता है, वहीं बाढ़ की रोकथाम और सिंचाई के लिए भी इसका अहम योगदान है। इस बांध के पीछे बनी है विशाल गोबिंद सागर झील, जिसका 10% हिस्सा जिला ऊना में और बाकी 90% हिस्सा जिला बिलासपुर में है। भाखड़ा डैम से आगे ऊना जिला का रायपुर मैदान गांव भी है, जहां काफी संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ बना बाबा गरीबनाथ मंदिर बरसात के बाद जब झील के पानी से घिर जाता है तब बोट में बैठकर ही मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा आप नंगल से भाखड़ा डैम होते हुए नैना देवी मंदिर भी जा सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हों तो सुरक्षा कारणों से आपको नंगल से भाखड़ा डैम की ओर आने के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिस नंगल से एक निःशुल्क पास बनवाना ज़रूरी होता है। पास के बिना आप भाखड़ा डैम की तरफ नहीं आ सकते। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं। हालांकि नंगल से भाखड़ा जाने वाली इस ट्रेन में या फिर बस में आप बिना पास के भी सफ़र कर सकते हैं। इस ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको एक सभ्य इंसान होने का परिचय देना होगा। किसी भी तरह की शरारत, हुड़दंगबाजी या फिर असामाजिक कार्य किए जाने पर आपको सीधा संबंधित राज्य की पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। BBMB के कर्मचारी व अन्य सुरक्षा अधिकारी इस रेल का खास ध्यान रखते हैं। तो कभी आप इस रेल की यात्रा करना चाहो तो आपको पहुंचना होगा नंगल, और यहां भाखड़ा रेलवेज़ के नंगल टाउनशिप रेलवे स्टेशन से आप सुबह 7 बजे और शाम 3 बजे इस ट्रेन में आगे की यात्रा कर सकते हैं। 2 घंटे बाद ये ट्रेन इसी स्टेशन पर वापस पहुंच जाती है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा चलाई जा रही इस रेल सेवा के लिए अब ज़रूरत है तो थोड़े बजट की, ताकि इसका रखरखाव सही से हो सके। अगर इस रेलगाड़ी में आधुनिक इंजन व कोचिस को जोड़कर चलाया जाए तो टूरिज्म सेक्टर में ये एक बढ़िया विकल्प बन सकता है, क्योंकि इतने पुराने रेल इंजन के रखरखाव व कलपुर्जों के अभाव में कई बार ये ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आने वाला समय इस रेल के लिए भी अच्छा होगा और सरकार इस रेल को विरासत या फिर धरोहर के रूप में सहेज कर रख पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको देश की इस एकमात्र मुफ्त रेल सेवा की यात्रा अच्छी लगी होगी। ऐसी और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।